दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल रिंकू की रसोई में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टोमेटो केचप की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने 1 kg टमाटर लिया है, बिल्कुल लाल टमाटर हमें चाहिए टोमेटो केचप बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लाल टमाटर लिया है, हरे टमाटर का हमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। टमाटर को मैंने अच्छे से धो लिया है और इसे बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 काली मिर्च लिया है, थोड़ी सी जावित्री का फूल, 1 इलायची, 1 से 1.5 अदरक का टुकड़ा, 4-5 लहसुन की कलियां, 2 लौंग, थोड़ा सा जीरा, 2 टुकड़ा दालचीनी का और 1 प्याज दिया है। तो सबसे पहले हम टमाटर को काट लेते हैं। टमाटर को रफली काटेंगे, इसके पीछे वाले हिस्से को निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने टमाटर को अच्छे से काट लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम एक प्लेट में खाली कर लेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने गरम मसाला लिया है उसको हम कूट लेंगे, लहसुन को हम साइड में रख देंगे और सभी को अच्छे से कूट लेंगे, अदरक को भी साइड में रख देंगे। चलिए इसको अच्छे से कूट लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से कूट लिया है, ये देखिए। अब यहाँ पर हम कॉटन का कपड़ा लेंगे, आप चाहे तो मर्किन का कपड़ा ले सकते हैं। इसको इसमें हम रख देंगे और इसका हम पोटली बनाएंगे, बिल्कुल इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से। और इसको हमें बांध देना है इस तरीके से, हम गांठ लगा देंगे। प्याज को भी हम रफली काट लेते हैं। प्याज को भी मैंने रफली काट लिया है। अब चलिए इस रेसिपी को बनाने चलते हैं, चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई गरम कर लिया है, प्याज को इसमें अब हम डाल देंगे। पानी इसमें हमें बिल्कुल नहीं डालना है, अदरक को भी डाल देंगे और लहसुन को भी डाल देंगे, टमाटर को भी इसमें डाल देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। इसको 1 से 2 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। आइए टमाटर के बाद चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर टमाटर हल्का गल चुका है और ये हल्का सॉफ्ट भी हो चुका है। यहाँ पर जो मैंने गरम मसाला का पोटली तैयार किया था उसको इसी में डाल देंगे। तो इसको ढककर 5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, चलिए टमाटर को एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। तो ये जो हमारे टमाटर हैं अच्छे से गल चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसको हम अच्छे से दबा दबा कर चलाएंगे, बिल्कुल इस तरीके से। यहाँ पर जो मैंने गरम मसाला का पोटली डाला था इसको हम बाहर निकालेंगे और इसको प्लेट में रख देंगे। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। ये जो गरम मसाला का पोटली है इसको इस तरह से हम दबा देंगे ताकि इसमें जो रस्सा है वो सारा टमाटर के अंदर चला जाए। अब हम इसको ठंडा होने देंगे। तो ये जो हमारे टमाटर हैं ये अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसको मिक्सर जार में अच्छे से पीस लेंगे। तो चलिए टमाटर को अच्छे से पीस लेते हैं। यहाँ पर मैंने टमाटर को अच्छे से पीस लिया है। अब हम यहाँ पर एक छलनी लेंगे और टमाटर को छान लेंगे, चम्मच की सहायता से हम इसको छान लेंगे। पर मैंने इसको अच्छे से छान लिया है। टमाटर को अब हम फिर से इसी कढ़ाई में डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच सादा नमक और 1 चम्मच काला नमक, अच्छे से मिला लेंगे इसको। अब हम इसमें 200 ग्राम चीनी डाल देंगे। चीनी और भी हम बाद में डालेंगे लेकिन अभी मैंने 200 ग्राम ही चीनी डाला है इसमें। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको अच्छे से पकने देंगे। इसमें हम 25 ग्राम चीनी और डाल देंगे और चीनी को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे
अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। इसमें हम कलर नहीं डालेंगे, बिना कलर के ही हम बनाएंगे। इसका कलर पहले से काफ़ी चेंज हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये गाढ़ी भी हो रही है। तो इसको थोड़ी देर और हम अच्छे से पका लेते हैं। अब हम गैस का फ्लेम एकदम कम कर देंगे और आपको हम टोमेटो केचप एक प्लेट में निकाल कर दिखाते हैं। ये देखिए इसका थिकनेस आप देख सकते हैं, लग रहा है ना एकदम बाजार जैसा टोमेटो केचप। हमारी ये जो टोमेटो केचप है ये अब बनकर रेडी हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। तो ये जो हमारा टोमेटो केचप है ये ठंडा हो चुका है। यहाँ पर अब हम एक बोतल लेंगे, बोतल को मैंने गर्म पानी में अच्छे से उबाल लिया है, उबाल कर इसको अच्छे से पोंछ लिया है। हम इसको बोतल में खाली कर लेंगे। तो टोमेटो केचप को मैंने एक बोतल में खाली कर लिया है, बाकी जो हमारा बच गया है इसको मैंने एक बॉल में रख लिया है, इसको मैं बाद में बोतल में भर दूंगी। तो आपको हमारी ये जो टोमेटो केचप की रेसिपी है ये कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।